Hello darlings, it's show time. Hello friends, welcome to another episode of Bollywood This Week. My friend Mohammed Ansari, aap sabhi logo ka paranga superstar, darling Prabhas ki film Salaar ke day number 20 ke box office collection episode mein tahe dil se hardik swagat karta hoon. Kya ho raha hai mera bhai? So guys, ab sabhi log jo hai, wo besabri se intezaar kar rahe hain ki kab Salaar ka jo Hindi version hai, despite facing all the odds and all the negativity, ab guys, Hindi version mein 150 करोड़ का नेट कलेक्शन जो है करने जा रहा है. ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, स्पेशली विद क्लैश विद डंकी. ए सर्टिफिकेट स्क्रीन ना मिलना इनिशियली, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है सलार के लिए. एंड कल ये फिल्म 150 करोड़ नेट कलेक्शन जो है हिंदी वर्जन में चली जाएगी एंड विल बी अनदर हिट डब फिल्म ऑफ प्रभास इन हिंदी. इसी नोट पे आज का एपिसोड जो है वो शुरू करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली आज कलेक्शन जो है कितने आ सकते हैं एंड कल डे नंबर 19 का क्या हाल रहा. तो गाइस, डे नंबर 19 हिंदी वर्जन में इस फिल्म ने 1.45 करोड़ की कमाई करते हुए अपने हिंदी वर्जन को 147.55 यानी कि 147.55 करोड़ पे पहुंचा दिया. तेलुगु वर्जन 70 लाख, मलयालम 3, तमिल 13 लाख एंड कन्नड़ा वर्जन 3 लाख एंड हिंदी 1.45 करोड़. ये सब कलेक्शंस मिला लूं तो नेट इज 2.34 करोड़. यस फ्रेंड्स, इस फिल्म ने 2.34 करोड़ का नेट कलेक्शन कमाते हुए ग्रॉस को 2.78 करोड़ तक पहुंचा दिया है. ओवरसीज फिल्म ने अपने 19वें दिन पर सिर्फ 40 लाख की कमाई की है. इसी के साथ इस फिल्म ने अपने वर्ल्ड वाइड 19th डे पर 3.18 करोड़ की कमाई करते हुए अपने फिगर्स के अनुसार 628.34 करोड़ की कमाई की है. एंड गाइस, हुम्बले फिल्म्स के फिगर्स के अनुसार 703.34 करोड़ की कमाई जो है वो यहाँ पर कर ली. यहाँ तक कहानी समझ में आई. अब बात करते हैं 20वें दिन की. द ऑक्यूपेंसी का सुपर स्टेडी कलेक्शन शायद हिंदी वर्जन कल जितना है या फिर थोड़ा ड्रॉप आएगा अगर रात के शोज जो है वो यहाँ पे ऑक्यूपेंसी में गिरावट दिखाते हैं. मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी 8, आफ्टरनून 9.5 एंड इवनिंग 11.3. बट इट्स द शो काउंट. मुंबई 292 शोज 10% की ऑक्यूपेंसी है. दिल्ली एनसीआर 506 शोज में 11 एंड आई थिंक मैरी क्रिसमस आने के बावजूद भी यहाँ पर ये शोज जो है वो लेने में कामयाब होगा. पुणे की बात करें, पुणे में 107 शोज में 10% नंबर. बेंगलुरु 72 शोज में 12, हैदराबाद 78 शोज में 22% की ऑक्यूपेंसी है. अच्छा जम देखने के लिए मिला है. कोलकाता 92 शोज में 13%, अहमदाबाद 290 से 294 शोज हो चुके हैं 6%. बात करो सूरत की, 151 से 152 शोज हुए हैं 6%. जयपुर 97 शोज में 18%, चंडीगढ़ 66 शोज में 15, कल सिर्फ 7% की ऑक्यूपेंसी थी. भोपाल 53 से 45 शोज हुए बट ऑक्यूपेंसी 4 से 12% हो गई. एंड लखनऊ 107 शोज में 13%. सलार इज होल्डिंग रियली वेल इन द हिंदी वर्जन एंड ऐसा लग रहा है मिनिमल ड्रॉप दिखाते हुए ये 1.35 करोड़ कमाएगा एंड अपने हिंदी वर्जन के कलेक्शन 148.90 करोड़ तक पहुंचा देगा. फिर सिर्फ 1.10 करोड़ चाहिए. आई थिंक थर्सडे डेफिनेटली 150 करोड़ नेट कलेक्शन में पहुंच जाएगा. एंड अब इसके सेकेंड पार्ट का सभी लोगों को बेसब्री से इंतजार है. द फिल्म हैज ब्रोकन इवन एवरीवेयर स्पेशली ओवरसीज में एंड एक प्रॉफिटेबल वेंचर जो है मेकर्स के लिए बन के आई है. ऑलरेडी सक्सेस पार्टी मेकर्स ने दे दी है विद द डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड अब सेकेंड पार्ट को और बड़ा बनाने की यहाँ मेकर्स जो है कोशिश करेंगे. बात करो ऑल लैंग्वेजेस की तो 2.25 करोड़ का नेट आएगा. तो ग्रॉस होगा 2.70. ओवरसीज 35 लाख पकड़ी है ये फिल्म. आज भी वर्ल्ड वाइड 3.05 करोड़ कमाते हुए हमारे फिगर्स के अनुसार 631.39 करोड़ पहुंच जाएगी एंड होमबले फिल्म्स के फिगर्स के अनुसार 706.39 करोड़ डेफिनेटली पहुंच जाएगी. मैं चाहता हूं कि होमबले फिल्म्स जो है वो 700 करोड़ ऑलरेडी क्रॉस हो चुका है, उसका पोस्टर जल्द से जल्द जो है वो रिलीज करें. ओके गाइस, सो मच का ये एपिसोड आप सभी लोगों को पसंद आया होगा. आई थिंक ये लास्ट वीक है सलार का आईमैक्स में. अगर आईमैक्स में नहीं देखी है फिल्म तो जरूर जाके इसके साउंड को, इसके विजुअल को, इसके सिनेमैटिक एक्सेलेंस को, स्पेशली इसकी सिनेमेटोग्राफी को बड़े पर्दे पर आईमैक्स में एंजॉय कीजिए बिकॉज वहां पर इस फिल्म का असली पोटेंशियल है वो आपको दिखाई देगा. आई थिंक 2 more days लेफ्ट ऑन द आईमैक्स वर्जन, मिस मत करना. मैं अमर अंसारी साइनिंग ऑफ. यू आर गोना सी मी वेरी सून. टिल देन एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन.